नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का यूपी स्पेशल की इस सीरीज़ के भाग दो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सीरीज़ उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, पुलिस बीडीओ समीक्षा अधिकारी एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली सीरीज है। तो आज इसका जो भाग दो है, चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भाग दो को करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब और कहाँ हुआ? तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब और कहाँ हुआ? ए प्रयागराज, बी प्रयागराज 1982, सी लखनऊ में 1972 और डी लखनऊ 1982। तो आप बताएंगे इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रयागराज 1972। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज में 1972 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी को किन नामों से जाना जाता है? तो आप जानते हैं गंगा जो कि एक धार्मिक नदी है, इसे किस नामों से भी जाना जाता है? सरस्वती, जाह्नवी और पद्मा, ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं, या फिर हम कहेंगे इन तीनों ही नामों से गंगा को जाना जाता है, तीनों का विलय गंगा में हो जाता है। आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो आप जानते हैं गंगा जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये वहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, और एक और नदी है जो सतोपद हिमनद से निकलती है और इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ये हरिद्वार में मिलने के बाद आगे बढ़ती है और बाद में गंगा नाम से जानी जाती है। तो गंगा की जो इस पर सहायक नदियाँ हैं, तो हम देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, ए रामगंगा, बी गोमती और सी घाघरा, ये तीनों ही नदियाँ हैं, ये तीनों ही नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही नदियाँ किस दिशा से मिलती हैं? ये तीनों ही नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चंबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है, यह वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ों से काफ़ी जनधन की हानि करती है। दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, देखिए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना ही एक ना ही दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, चंबल नदी का जो उद्गम है जानापाव की पहाड़ियों से है, बिल्कुल ठीक, और इसके अलावा यह वर्षा ऋतु में आकस्मिक बाढ़ों से काफ़ी जनधन की हानि करती है। इस प्रकार हम देखते हैं दोनों ही ऑप्शन जो होंगे हमारे ठीक हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रों में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? गंगा गंडक के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या रोहिलखंड क्षेत्र में? चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, देखेंगे उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रों में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा गंडक के मध्यवर्ती क्षेत्रों में। तो गंगा गंडक का मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसमें गोंडा, बहराइच, बस्ती और अयोध्या वाले क्षेत्र शामिल हैं। तो इसमें ध्यान देंगे गोंडा, बहराइच, बस्ती और अयोध्या, ये वाले क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय अंग्रेजों ने किस ज़िले में खोला? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु अंग्रेजों द्वारा जो खोला गया पहला कार्यालय था, ये कहाँ खोला गया? छः का आंसर हो जाएगा आपका ए, ये कहाँ खोला गया? ये सहारनपुर में खोला गया, सहारनपुर में खोला गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमीरपुर नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? हमीरपुर नहर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की परियोजना है, और कौन कौन से जिले इसका लाभ उठाते हैं? तो हम जानते हैं इस परियोजना को जो लाभ है, ये हमीरपुर जिला उठाता है, वो नाम से ही परियोजना है। इसके अलावा जालौन जिला भी इससे फ़ायदा उठाता है, महोबा इससे फ़ायदा नहीं उठाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक और दो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। हमीरपुर नहर परियोजना, मैं बताना चाहूँगा, महोबा ना होके ये एक और ज़िला है जो इससे फ़ायदा उठाता है, और उसका नाम है झांसी, झांसी ज़िला भी इसका फ़ायदा उठाता है। तो हमीरपुर नहर परियोजना से लाभान्वित जिले हमीरपुर, जालौन और झांसी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? यूपी की सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना जो है, ये है आपके आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर हो जाएगा इसका हरदुआगंज, ए हरदुआगंज। और ये कहाँ है? इसकी स्थापना 1942 में, स्थापना 1942 में की गई, और कहाँ? अलीगढ़ के पास, हरदुआगंज जो है अलीगढ़ के पास स्थित है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना किस जगह पर स्थित है? तो रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो सॉरी किस जगह पर स्थित है, तो ये पीपरी में स्थित है। कहाँ? ये पीपरी में स्थित है। और पीपरी किस जगह है? तो सोनभद्र, सोनभद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एनटीपीसी की कौन सी इकाइयाँ कोयला आधारित हैं? औरैया, आंवला, दादरी। तीन ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। एनटीपीसी की कौन सी इकाइयाँ हैं जो कोयला पर आधारित हैं? एनटीपीसी की कौन सी इकाइयाँ हैं जो कोयला पर आधारित हैं? तो हम जानते हैं ये तीनों ही किस पर आधारित हैं, विद्युत आधारित हैं। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दसवें क्वेश्चन का आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम से संबंधित कौन से कथनों में से कौन सत्य है? आप देखिए राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम से संबंधित कौन से तथ्य हैं? तो भारत सरकार द्वारा 100% पोषित यह कार्यक्रम 1981-82 में शुरू किया गया, सही है। यह कार्यक्रम 1982-83 से राज्य ग्राम विकास विभाग के तहत चलाया जा रहा है। ये ऑप्शन भी क्या होगा? ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तो सी, एक और दो दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर, निम्नलिखित में से कौन है जो चूना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र हैं? चूना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र हैं गुरुमा, कनाच और कजराहट। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखेंगे बारहवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीनों ही क्षेत्र हैं, ये तीनों ही क्षेत्र जो हैं चूना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र हैं, गुरुमा, कनाच और कजराहट। इनमें से बताना चाहूँगा गुरुमा और कनाच ये दोनों क्षेत्र हैं, ये आपके मिर्ज़ापुर में हैं, ये दोनों ही क्षेत्र आपके मिर्ज़ापुर में हैं। और इसके अलावा जो कनाच कजराहट क्षेत्र है, गुरुमा और कनाच क्षेत्र मिर्ज़ापुर में है, जबकि कजराहट क्षेत्र जो है ये आपके सोनभद्र ज़िले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश वन की परियोजना 1998 से निम्नलिखित में से किसके सहयोग से शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश वन की जो परियोजना है ये किसके सहयोग से शुरू की गई? आंसर हो जाएगा, आप देखिए, हाँ तो ये 1998 में स्टार्ट की गई। आप देखिए ये परियोजना अगर पूछी जाती है कब स्टार्ट की गई, तो ये 1998 में स्टार्ट की गई और ये विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित की गई थी, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर से किस वर्ष आच्छादित किया गया? इन विच ईयर दुधवा नेशनल पार्क वॉज कवर्ड बाई प्रोजेक्ट टाइगर? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर से किस वर्ष आच्छादित किया गया? 14 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1987। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। दूसरा कथन है यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के जिलों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों, दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्थित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्थित है? ये आपके लखनऊ में स्थित है, इसके अलावा बहराइच में स्थित है। कहाँ स्थित नहीं है? गोंडा में स्थित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, एक और तीन दोनों। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक और तीन दोनों। घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ये लखनऊ और बहराइच जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल हैं? राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल हैं? तो आप देखते हैं चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही जिले, तीनों ही राज्य चंबल वन विहार योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, एक दो तीन तीनों ही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जोनों के कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में विभिन्न जोनों के कुल कितने मंडल हैं? सभी आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 9, सी का आंसर 9। बढ़ते हैं, देश व प्रदेश में का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? ए झांसी मंडल,
बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल, प्रयागराज मंडल या आगरा मंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा कब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और इंडिया एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस नामक दो निगम की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा कब वायु परिवर्तन का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यहाँ पूछा जा रहा है इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 1953 में। अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता कि भारतीय सरकार द्वारा कब वायु परिवहन का प्रथम परीक्षण किया गया, तो जो परीक्षण किया गया था वो 1911 में किया गया था। जो पहला परीक्षण जो हुआ था एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो चलाई गई थी वो 1911, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया 1953। तो बीसवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित एयरफोर्स की हवाई पट्टियों में से कौन सही सुमेलित है। आप देखेंगे चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सही सुमेलित है। सरसाबा सहारनपुर सही है, बक्सी तालाब लखनऊ सही है, बमरोली इलाहाबाद बिल्कुल ठीक। आंसर हो जाएगा हमारा डी, डेफिनेटली इसका आंसर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात समग्र देश के लिंग अनुपात से 31 कम है। हाँ ठीक हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं 2011 के अनुसार राज्य का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो राज्य का लिंग अनुपात है 912, जबकि भारत का जो लिंग अनुपात है 2011 की गणना के अनुसार वो है 943। तो हम जब 943 में से 943 में से हम 912 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 31 कम मिलेगा। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक हो जाएगा। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो इसकी जो डेफिनेटली हाँ यहाँ पर कितनी वृद्धि नहीं है, कितना है, वृद्धि हुई है। हाँ इससे पहले जो प्रदेश का लिंगानुपात था वर्तमान में देखा जाए तो 912 है। इससे पहले कितना होता था, तो इससे पहले जो 2001 की जनगणना थी उसके अनुसार ये 898 था। कितना था, 898, पहले 898 अभी 912। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। 22वें क्वेश्चन का आंसर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले क्षेत्रों को बढ़ते क्रम में लगाइए। बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। तो हम जानते हैं सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो बागपत हो जाता है। कौन सा जिला हो जाएगा, बागपत। और बागपत में कितनी जनसंख्या है, तो बागपत में जो जनसंख्या है वो 0.001%। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 0.001%। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ क्रम है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक स्लम आबादी है। जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं वो सर्वाधिक किस जिले में रहते हैं। ए मेरठ, बी मुरादाबाद, सी मुजफ्फरनगर या डी प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा ए मेरठ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना में कौन सही सुमेलित है। आप जानते हैं बौद्ध कितने हैं, 0.10% सही है। जैन 0.11%, ईसाई 0.18%। तीनों ही आंसर जो हैं सही हो जाएंगे, आंसर होगा डी। 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। ऑप्शन सही हो जाएगा, आप ध्यान देंगे कहाँ, लखनऊ में मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव कब पड़ी है, 1926 में। इसके अलावा 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया। डेफिनेटली दोनों ही आंसर क्या हो जाते हैं, दोनों ही आंसर ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा सी। लखनऊ में जो 15 जुलाई 1926 को मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी, उसे 1960 से किस नाम से जाना जाता है, इसे भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी निम्नलिखित में से किनके संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो ये जो अकेडमी है ये किसके संरक्षण का, ये संगीत के संरक्षण का कार्य करती है, नृत्य के और लोक नाट्य तीनों के ही संरक्षण का कार्य करती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ, सही है। हम जानते हैं भारत में जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी ये किस काल में स्टार्ट हुई, गुप्त काल में। अशोक के काल में मथुरा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, अशोक के काल में नहीं, किसके काल में पहुंची है, कनिष्क के काल में, कनिष्क
कनिष्क के काल में, जो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 28 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर होगा केवल एक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक। निम्नलिखित में से कौन से ईंट निर्मित मंदिर विशेष रूप से जाने जाते हैं? कौन से मंदिर हैं जो ईंट से निर्मित हैं? तो आप देखेंगे देवगढ़ का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और भीतरी का मंदिर। तीन ऑप्शन है आप लोगों के सामने। आप देखेंगे देवगढ़ का मंदिर जो है वो झांसी में स्थित है, भीतरगांव का जो मंदिर है ये कानपुर में स्थित है, और जो भीतरी का मंदिर है ये गाजीपुर में स्थित है। तो हम देखते हैं, देखिए देवगढ़ का मंदिर झांसी में, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में, और भीतरी का मंदिर गाजीपुर में। तो 29 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ईंट से निर्मित मंदिर कौन से हैं। तो ये दोनों मंदिर जो हैं ये ईंट से निर्मित हैं, और ये वाला मंदिर जो है ये पत्थर से निर्मित है, ये मंदिर पत्थर से निर्मित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? साजा के काल में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से संगमरमर का बनवाया गया। जो अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी उसे तोड़वाकर दोबारा से जो है संगमरमर का किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी ज़्यादातर किससे बनवाई थी? वो लाल बलुआ पत्थर, जो राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। इनमें दीवान आम और दीवान खास प्रमुख हैं। हाँ, दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन बने? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय जो प्राचार्य बने थे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के सामने, आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग इसका। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आजकल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में हैं, और आप ध्यान देंगे इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका? असित कुमार हालदार। बिल्कुल इनकी तैयारी कर लीजिए, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें समझने के लिए कम और याद करने के लिए ज़्यादा है। तो आप करेंगे इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। वैसे आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है, जो टेलीग्राम चैनल है जीएस विद कैलाश सर के नाम से, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बायलिंगुअल कोर्स लाया जा रहा है आप लोगों के सामने, आप इन्हें प्रॉपर वे में याद कर लीजिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, असित कुमार हालदार। 31 क्वेश्चन का आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगरा में एक चित्रशाला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाई? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो हम जानते हैं जो चित्रकला की शुरुआत हुई थी वो हुमायूं के काल से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो था चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। आगरा में चित्रशाला की निर्माण जो करवाया गया था ये अकारिजा के नेतृत्व में, जो चित्रकार थे उनका नाम था अकारिजा, अकारिजा के नेतृत्व में जहांगीर के द्वारा करवाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से किन जगहों से चित्रकारी के प्राचीन नमूने प्राप्त हुए हैं? तीन ऑप्शन है आप लोगों के सामने, आप देखेंगे और आंसर करेंगे इसका। लिखनियादरी सही है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मलिकपुर, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, और होशंगाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, फैक्चुअल भी इस क्वेश्चन है, आप सीधे याद कर लीजिए। चित्रकारी के जो नमूने प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तीनों ही स्थानों से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख लेख कौन से हैं? पराजय की पीड़ा, पश्चाताप और बुद्ध का गृह त्याग। तीन ऑप्शन है आप लोगों के सामने, देखेंगे और आंसर करेंगे सभी। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख लेख कौन से हैं? पराजय की पीड़ा और पश्चाताप, ये दोनों ही किसके लेख हैं? ये दोनों ही लेख रामचंद्र शुक्ल के हैं। आंसर हो जाएगा ए। जबकि बुद्ध का गृह त्याग, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रणवीर सक्सेना। बुद्ध का गृह त्याग के लेखक कौन है? रणवीर सक्सेना। हमारा आंसर क्या होगा? ए, 1 और 2 दोनों। ध्रुपद की डांकुर वाणी का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं ये किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास को, जो तानसेन के गुरु थे। द्रुपद की डाकुर वाणी के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास को। निम्नलिखित में से किस घराने को गौरीपुर घराना भी कहा जाता है और सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? कुछ संगीत से संबंधित घराने होते हैं, किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इटावा घराना। आंसर क्या हो जाएगा? इटावा घराना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन से हैं?
तो यूपी के जो लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग्स कहे जाते हैं, फोक म्यूजिक जो होता है, कजरी और बिरहा दोनों ही लोक संगीत हैं। जबकि जो राई है ये क्या है, ये है आपका लोक नृत्य। राई क्या है? लोक नृत्य। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कजरी और बिरहा दोनों ही लोकगीत हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। राई क्या है? एक लोक नृत्य जो यूपी का है। निम्नलिखित में सर्वाधिक मेले मथुरा के बाद कहाँ लगते हैं? हम जानते हैं सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में। कितने मेले लगते हैं मथुरा में? तो मथुरा में वर्ष में 86 मेले लगते हैं। मथुरा में वर्ष में 86 मेले लगते हैं। मथुरा के बाद किस जगह लगते हैं? कानपुर में। और कानपुर में कितने मेले लगते हैं? तो कानपुर में 80 मेले लगते हैं। कानपुर में जो मेले लगते हैं, मथुरा के बाद किसका स्थान आता है? कानपुर का। और इसमें 80 मेले लगते हैं। निम्नलिखित महोत्सव में से कौन सही सुमेलित है? देखेंगे इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। राम बारात उत्सव अयोध्या में न होकर ये कहाँ होता है? राम बारात उत्सव जो है ये अयोध्या में न होकर कहाँ का फेमस है? ये आगरा, आगरा। इसके अलावा ताज महोत्सव जो है 18 से 28 फरवरी को लगता है आगरा में, ठीक हो जाएगा ये। इसके अलावा त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 दोनों ठीक थे, आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, राम बारात उत्सव है ये आगरा का फेमस है। चलिए, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जो जनक माना जाता है ये किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग व पर्यटन निदेशालय कब से सक्रिय हैं? दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, क्रमशः करके आंसर दे रखा है, रेस्पेक्टिवली यूज किया गया है वर्ड को। तो अब देखें, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई और उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब होती है, यानी ये कब से सक्रिय हैं? तो 41 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर क्या हो जाएगा ए, पर्यटन विभाग 1956 और पर्यटन निदेशालय 1972। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया ये कब दिया गया, ये दर्जा दिया गया 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन विभाग द्वारा चलाई गई? पर्यटन विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? आप देख रहे हैं पर्यटन के क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, जो फैक्चुअल बेस होते हैं आप इन फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई गई? तो इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, बिल्कुल ठीक है ये। डिस्कवर रूट योजना, ये दोनों ही योजना किसके द्वारा चलाई गई? डिस्कवर रूट योजना, ये दोनों ही पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई गई, आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया? हम जानते हैं खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई 1290 में। इससे पहले जो वंश था दिल्ली सल्तनत का, ये दूसरा वंश था, इससे पहले गुलाम वंश था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने शमुद्दीन कैमूर नामक आखिरी गुलाम शासक की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 में ये शासक बन जाता है अपने चाचा की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके। इसने अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया कहाँ से? तो ये जो था कड़ा, कड़ा जो इलाहाबाद के पास में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में कहाँ से भीम कटफिसस व कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये दोनों ही किस वंश के शासक थे? भीम कटफिसस और कनिष्क दोनों ही किस वंश के शासक थे? ये दोनों ही कुषाण वंश के शासक थे, दोनों ही कुषाण वंश के शासक थे। और इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, कौशाम्बी। भीम कटफिसस पहला शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए, ये शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रति 5वें वर्ष उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था? 46 का आंसर हो जाएगा ए, प्रयागराज। हर 5 वर्ष में ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। उत्तर प्रदेश के 100 गोरा से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखेंगे 47 क्वेश्चन हम लोगों के सामने, 100 गोरा गोरखपुर जिले में स्थित है, सही क्या होगा इसका आंसर, ये ठीक हो जाएगा।
यहाँ से मौर्योत्तर युग के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्योत्तर युग से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो डेफिनेटली दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे हमारे? ठीक, तो आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ? किस स्थान पर? किस स्थान पर तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका जो जन्म हुआ था, ये तीसरे तीर्थंकर हैं। हम जानते हैं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और आखिरी तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। यहाँ तीसरे तीर्थंकर के जन्म स्थान का नाम पूछा गया है और यह आंसर हो जाएगा बी, श्रावस्ती। इनका जो जन्म हुआ था बी, श्रावस्ती में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट से संबंधित है? जब भगवान राम को वनवास दिया गया था तब चित्रकूट में रुके थे वो, तो इनमें से कौन सा स्थान चित्रकूट से संबंधित है या चित्रकूट में स्थित है? तो हम देखते हैं हनुमान धारा चित्रकूट में स्थित है, सती अनुसुईया का आश्रम चित्रकूट में स्थित है और महर्षि अत्रि का आश्रम भी चित्रकूट में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 49 का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज में कुल 50 क्वेश्चन लाए गए आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कुशीनगर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? महाजनपद काल में यह मल्ल गणराज्य की राजधानी था। सही है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ, कुशीनगर में ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ था भगवान बुद्ध का। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो आंसर होगा हमारा सी। चलिए दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इसे शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। ऐसे ही आपके लिए जो सीरीज़ लाई जा रही है, ये सीरीज जैसे ही कंटिन्यू की जाएगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि आप इस सीरीज़ को कैसा पसंद करते हैं। और आपको जो भी चीज़ें लगें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिन पर आगे से वर्कआउट किया जाएगा, काम किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, इसकी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू।